एट का पार्ट सेकंड करेंगे। ये फिगर गिवन है, इसमें ये एंगल दे रखा है 55 डिग्री का, ये दे रखा है 72 का, और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं। इस एरो का मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। और हमें एंगल ए बी सी फाइंड करने हैं। तो देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये और ये, तो ये इसको कट कर रही है। ये लाइन क्या हुई? ट्रांसवर्सल लाइन हुई। एंगल ये वाला 55 का है, तो ये एंगल क्या होगा? अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए, ठीक है। तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स जब लाइन पैरेलल होती है तो कोरस्पोंडिंग एंगल का पेयर इक्वल होता है, ठीक है। तो एंगल ए जो है वो इक्वल होगा 55 के, बिकॉज कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं ये, ठीक है। अब देखो, अब ए की वैल्यू आ गई 55। अब देखो एंगल ए बी और ये एंगल 72 तीनों मिला के 118 का सम होना चाहिए, बिकॉज जो ट्राइंगल के तीनों एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, तो उसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल ए बी और 72 इक्वल होंगे 180 के, आप रीजन लिखना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल ए की वैल्यू क्या है? 55। बी हमें फाइंड करना है और ये है 72। 55 और 72 कितने हो जाएंगे? 127। बी को बी की जगह रहने दो, 100 ये इक्वल कितना? 180। अब नेक्स्ट स्टेप में बी को बी की जगह रहने दो, क्योंकि बी हमें फाइंड करना है। 127 इक्वल के इधर आके हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 180 में से 127 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ गया 53, यानी कि बी की बी आ गया हमारा ये 53 आ गया। कितना आ गया बी? ये 53 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखो ए निकल गया, बी निकल गया, बच गया सी। ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के एक साइड जब तीन एंगल जितने भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री, यानी कि एंगल बी और ये एंगल 55 और सी मिला के कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो एंगल बी, एंगल सी और 55 होना चाहिए 180, बिकॉज सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल इज 180। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी है? 53। एंगल सी हमें फाइंड करना है और ये है 55 इक्वल 180। 53 को और 55 को प्लस करेंगे, 108 आ गया। सी को सी की जगह रहने तो इक्वल 180। 108 इस साइड आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से 108 को, तो 72 आ जाएगा। सी की वैल्यू आ गई 72। पार्ट थर्ड करेंगे। पार्ट थर्ड में ये फिगर गिवन है, इसमें ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो इसमें हमें एंगल ए एंगल ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये एंगल दे रखा है 75 का। तो देखो ये एंगल 75 का है, तो ये इसके क्या है? एडजेसेंट एंगल है। क्या है ये? ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल एक साथ फॉर्म होते हैं तो वो लीनियर पेयर होती है, तो ये लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 होता है इसके एंगल का सम। तो ए को और 75 को अगर हम प्लस कर दे तो 180 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से ए की वैल्यू हम निकालेंगे 180, और ये 75 इक्वल के इस साइड आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 में से, यानी ए आ गया हमारा 105 आ गया ये, ठीक है। अब ए निकल गया। अब देखो ए निकलने के बाद बी, ये बी है और ये 75 है, ये देखो इधर है और ये इधर है, ये कौन से हो गए? लाइन के एक ही साइड होता है, एक ही साइड होता है, तो वो होता है अल्टरनेट एंगल्स। ये क्या है? अल्टरनेट एंगल्स है, और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये 75 तो बी भी 75 होगा, ठीक है। तो बी हो गया 75। अब आगे, अब देखो ये पैरेलल लाइन है और ये इसकी अगर ट्रांसवर्सल लाइन है, कट हो रही है, तो सी और ये क्या होंगे? ये दोनों क्या होंगे? कोरस्पोंडिंग एंगल हो जाएंगे। ये 75 है तो सी भी 75 होगा, क्यों? क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। अब देखो डी और बी, ये भी वो होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे। तो बी कितना है? बी आया था हमारा 75, ये भी आया था 75, तो डी भी होगा 75, बिकॉज ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8।